मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा के लेपा गांव में गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना का वीडियो बनाया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं शुरुआती जानकारी के मुताबिक धीर सिंह और गजेंद्र सिंह के परिवार के बीच साल 2013 में विवाद हुआ था। इसमें धीर सिंह के परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गजेंद्र सिंह के परिवार पर लगा था और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। समझौते के बाद आरोपी पक्ष गजेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ गाँव आ गया। शुक्रवार की सुबह भी धीर सिंह पक्ष ने गजेंद्र सिंह के परिवार पर लाठी डंडे और गोली से हमला बोल दिया। इस घटना में कुल 6 लोगों की अब तक मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इसका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पहले एक घर से कुछ लोग लाठी डंडों के साथ बाहर आते हैं और वहीं दूसरे घर के लोग राइफल के साथ मौजूद रहते हैं, जिसके बाद राइफल लिए एक शख्स एक के बाद एक लोगों पर निशाना साधता है और बेरहमी से उन्हें गोली मारता चला जाता है। हैरानी की बात है कि इस मामले में गोली चलाने वाले लोगों को उन्हीं की महिलाएं झगड़ा रोकने के बजाय बंदूक थमा रही थी। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और देखना होगा कि ये मामला कहां तक पहुंचता है।